टीम एक्सपर्ट की तो उनकी जो पोजिशनिंग है काफी ज्यादा कम एरिया में सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम गॉडलाइक के चारों खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अब जो ग्रेनेड का आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिल सकता है। जोनाथन एक और ग्रेनेड यहाँ पर कुक करते हुए क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब पाएंगे। क्लच गॉड को मीनवाइल यहाँ पे स्पॉट करके डाउन कर देगा मवी के द्वारा और अब टीम एक्सपर्ट यहाँ पे जरूर से क्लोज इन कर सकते हैं। मवी अभी भी पीछे की साइड से कवर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जोनाथन को डाउन कर दिया गया स्काउट के द्वारा। जो फिनिश है वो यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। टीम गॉडलाइक अभी के लिए एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एक्सपर्ट अभी के लिए ग्राम पेज पर जरूर से देखने को मिल जाएगी। रिवाइवल का यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। इन टीम गॉडलाइक से दो ही प्लेयर सर्वाइविंग, नियो एंड डी गॉड। जी बिल्कुल, इंडिया के दो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के बीच में हमने 1v1 का यहाँ पे सिचुएशन देखा। स्काउट थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें दिखाई दिया बट रॉनर की बात करें उनको भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। डेस्टो की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा बट नियो खुद भी डाउन हुए। जोनाथन खत्म हो चुके हैं, दो प्लेयर बचेंगे यहाँ पे बट नहीं, इसी के साथ एक और प्लेयर खत्म होता हुआ स्काइलाइट गेमिंग का लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। बट जी गॉड की बात करें वो भी अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए। टीम एक्सपर्ट स्क्वाड को आप देखें एक पूरा डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। 11 फिनिशर्स उनके नाम है, मुझे लगता है ये मरा हुआ भी जल्द उनके नाम आने वाला। बट स्काउट सीधा आगे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। स्काउट वर्सेस जी गॉड होता है, स्काउट एक बार फिर से आगे निकलेंगे। जी गॉड को उन्होंने डाउन किया, 12 फिनिशर्स करिए उसको। कमला बॉय आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से बट नहीं, उनको भी खत्म किया गया। क्या स्काउट ही थे बट नहीं, मावी थे, उन्होंने आखिरी प्लेयर को खत्म किया और इसी के साथ पूरी स्क्वाड स्काइलाइट्स गेमिंग